बात करें आजकल की पांच बड़ी मूवीज अपडेट के बारे में, तो सबसे पहली और बड़ी खबर फिल्म जवान को लेकर सामने आ रही है। तो कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि एसआरके की जवान का मेकर्स टीजर नहीं रिलीज करेंगे, और कहा जा रहा है कि जवान का डायरेक्ट ट्रेलर ही रिलीज करा जाएगा। और कहे भी जा रहा है कि जवान के मेकर्स ने फैसला लिया है कि वो इस मूवी के दो ट्रेलर रिलीज करेंगे, जिसमें से पहला ट्रेलर आजकल के अंदर ही आ जाएगा और दूसरा अगस्त के महीने में रिलीज होगा। तो अब देखना होगा कि क्या सच में जवान का टीजर आएगा या फिर नहीं। Ready. बात करें दूसरी अपडेट के बारे में, तो कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर या तो कल यानी 10 जुलाई को आएगा या फिर 11 जुलाई को। अक्षय कुमार को इस वक्त अपने डूबते करियर को बचाने के लिए एक हिट फिल्म की काफी ज्यादा जरूरत है, और जहां तक मुझे लगता है कि ओ माय गॉड 2 बॉक्स ऑफिस में जरूर कुछ कमाल करके दिखाएगी। तो अब इसका टीजर देखकर ही पता लगेगा कि इस बार फिल्म की कहानी क्या होने वाली है और क्या ये बॉक्स ऑफिस में हिट होगी या फिर नहीं। तीसरी अपडेट सालार के टीजर को लेकर है। प्रशांत नील की सालार के टीजर ने 24 घंटों में व्यूज के मामले में उनकी पिछली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल केजीएफ चैप्टर 2 ने अपने पहले 24 घंटों में 78 मिलियन व्यूज हासिल किए थे, मगर अब सालार ने 83 मिलियन व्यूज पाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया, और इसी के साथ सालार 24 घंटों में सबसे ज्यादा व्यूज हासिल करने वाली पहली इंडियन फिल्म बन गई है। चौथी अपडेट रामचरण की आने वाली पैन इंडिया फिल्म आरसी 16 को लेकर है। तो कहा जा रहा है कि आरसी 16 में रामचरण के अपोजिट विलन के रोल में विजय सेतुपति नजर आएंगे, और ये पहली बार होगा जब ये दोनों सुपरस्टार एक साथ किसी फिल्म में साथ में काम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आरसी 16 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसे डायरेक्ट बूची बाबू साना करेंगे। और बात करें पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, तो अब कुछ रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि सनी देओल और संजय दत्त अब एक साथ एक फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, और इस फिल्म की कहानी अयोध्या राम मंदिर के ऊपर होगी, और इस मूवी में राम मंदिर के केस के बारे में बताया जाएगा।